नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। तुम दे 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 दे, उसे कुत्ता चाहिए। तुझे संरक्षण करा। इसे बिटिया चाहिए। उसे खरीद नहीं सकते, उसे चुरा नहीं सकते, क्या किया जाए? मरवा डालिए ना, ना रहेगा बाप, ना बजेगी बांसुरी। इसकी बेसुरी बांसुरी के लिए किसी की बिटिया को मरवा डाले? आपको ये करना ही होगा। नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी नानी को वचन दिया था कि मैं कभी किसी को नहीं मरवाऊंगा। मेरे भाई के लिए भी नहीं, तुम्हारी अम्मा के लिए भी नहीं। चल फुट फुट। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इसके नीचे भी नहीं। तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। तुम भी आ जाओ जी। सुनील, इसे पकड़ो जरा। सुनील, मैंने जमींदार से पूछा था, उसने कहा कि उसका आदमी तो बिटिया को मारने आया ही नहीं। जितना मोटा है उतना झूठा है। मोटे तो तुम भी कम नहीं हो। क्या करूं, माँ इतना खिलाती है कि पेट फूल जाता। मेरी मम्मी तो ऐसी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, जैसी खुद सुखी है वैसी मेरे को भी बनाएगी। सुनीला, ये मम्मी ने सुना ना तो तुम्हारी मरम्मत कर देगी। वो तो वैसे भी करती रहती है, मम्मी हो तो सुनील की मम्मी जैसी, और डैडी हो तो सुनीला के डैडी जैसे। क्यों, अपने डैडी तुम्हें पसंद नहीं? उनसे कभी मिला नहीं हूँ। माँ कहती है सबसे सुंदर डैडी, मगर मैं कहता हूँ सबसे सुंदर आप हैं। तुमने अपने डैडी को देखा नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रहे थे। ऐसा करो, तुम मुझे अपने डैडी का नाम बता दो, मैं उन्हें तुमसे मिला दूँ। मेरे डैडी का डैडी, डैडी, मम्मी। क्यों, क्या हुआ? मेरा सर कहीं भी रुक जाती है, इसको अच्छी तरह ठीक करो नहीं तो मैं तुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। ड्रामा मत करो, बाहर आओ, मैं देखता हूँ। अरे बच्चों, जरा धक्का लगाओ प्लीज, आओ आओ, आ जाओ। हाँ माँ। अरे तुम लोग यहाँ आइए ना आंटी, आज हमारे डैडी से मिलिए ना। अरे मगर चलिए ना, चलिए ना माँ। ओ आओ उषा। जी जी रहो बेटी, चल के अपनी चाची के लिए कुर्ता पैजामा सी दे, बेचारी सब से कह रही है। हकीम साहब, मैं कल
आज चल के सीधे बेटी, तुझे दुआएं देगी। अच्छा जाओ बेटा, चूल्हे के पास खाना पड़ा है वो खा लेना। चलिए हकीम साहब। चलो बेटी। भाई साहब मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, आप जरा साइड में ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा भाई अच्छा, थैंक यू। तुम भी आ गए? तो क्या हुआ? सुनील, डैडी रोज मुझे पढ़ाया करते हैं, तुम भी आ जाया करो ना। इसकी डैडी इसे पढ़ा दिया करेंगे, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र पड़ी है? उषा, डैडी इसके हो या उसके, बात तो एक ही है ना। क्या? अरे बाबा, बात तो पढ़ाई की है ना, अगर मैं पढ़ा दिया करूँ तो क्या हर्ज है? वहाँ दादी माँ के पोते पोते की रट से भागना पड़ा था, यह इसके भाई भाई की रट से मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन इस बार अकेले। I'm sorry, हमारा ड्राइवर बहुत बेवकूफ है, आपकी कीमती शिफॉन की साड़ी खराब कर दी। आपकी नजर है जिसने इसे शिफॉन बना दिया, वरना अपनी कमाई से तो मैं सिर्फ मलमल ही खरीद सकती हूँ। अपनी कमाई से तुम क्या कर सकती हो, वो तो सभी जानते हैं। क्या मतलब? गांव में सबसे खूबसूरत घर है तुम्हारा, पंखा है, रेडियो है और कपड़े सीने की मशीन भी, ये सब तुम अपनी कमाई से तो खरीद सकती हो, लेकिन मशीन की कमाई से नहीं। एक चोर को सभी चोर नजर आते हैं जमींदारन। गीता, अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। और सिर्फ इतना कहूंगी कि एक शरीफ औरत पर कीचड़ उछालने से पहले तुम जैसी औरत को अपने दामन में झांक कर देखना चाहिए, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो, इतनी नंगी कि न कोई दामन है न दामन में झांकने के लिए नजर। सच्ची बात कहने पर मुझे थप्पड़ मारने का तुम्हें हक है, क्योंकि तुम अमीर हो, लेकिन मैं चूंकि गरीब हूँ और गरीब को जितना दबाया जाए वो उतना उभरता है, इसलिए थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देने का हक मुझे भी है, है। अब मजा आएगा सैलरी की बच्ची। आज के बाद मेरे खिलाफ जिस किसी ने कुछ भी कहा, मैं उसकी यही हालत करूंगी। आप फिक्र न कीजिए, मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा। आप भी किसके मुंह लगती हैं जमींदारिन, जानती नहीं ये हरामी बच्चे की माँ है। बेटा हरामी क्या होता है ये पूछ के तुम्हें क्या करना है? स्कूल में बच्चे मुझे हरामी कहते हैं। बेटा चाचा नेहरू कह गए थे ना कि आराम हराम होता है, इसलिए जो आदमी आराम करता है उसे हरामी कहते हैं। तो फिर मैं हरामी नहीं हूँ। हाँ, अच्छा बोलो, R-A-T? Rat. Rat माने? चूहा। That's good. अच्छा तुम बोलो, C-A-T? Cat. Cat माने बिल्ली। तुम कैट कहते हो, मेरी मम्मी को क्यों देखते हो? इसे घर जाने के लिए देरी नहीं हो रही है क्या? मैं थोड़ी ही देर में चला जाऊंगा। अरे देखो आ गया हरामी। ए हरामी! मैं आराम नहीं करता हूँ, मैं हरामी नहीं हूँ। अरे हरामी वो होता है जिसका बाप ना हो। मेरा बाप है। तूने क्या तो कभी देखा है? अगर है तो तेरी माँ को क्यों काम करना पड़ता है? अगर है तो यहाँ क्यों नहीं आता है? इसका कोई हो तब कोई आए ना। कृष्ण देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका गॉड होता है। इसका भी गॉड है, ये गॉड का बेटा है। अरे वाह, मिस साहब कभी गॉड का भी बेटा होता है? हाँ, जिनकी हम रोज पूजा करते हैं वो भी गॉड का बेटा है। वो देखो, जाओ बेटा जाओ। तुम मेरे डैडी को डैडी कहा करो। वो मेरे डैडी नहीं है। अगर वो तुम्हें बेटा कह सकते हैं तो तुम भी उन्हें डैडी कहो। सुनीला, डैडी। हेलो सुनीला। हेलो डैडी। सुनील ने आपको डैडी कहा, आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ।
जो मेरा अपना बेटा होता। माँ माँ मुझे डैडी ने दिया। डैडी? हाँ सुनीला के डैडी। खबरदार तू किसी को अपना डैडी नहीं कहेगा। अगर वो मुझे बेटा कह सकते हैं तो मैं इन्हें डैडी क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो तेरे डैडी नहीं है। तो फिर मेरे डैडी कौन है बोलो माँ? वो यहाँ से नहीं आते। तुझे कहा ना एक दिन आ जाएंगे, स्कूल से आया है चल खाना खा ले। पहले मुझे बता मेरे कोई डैडी है या मैं हरामी हूँ? सुन सब लोग मुझे हरामी कहते हैं। गलत कहते हैं, झूठ है वो सब। तो मेरे डैडी कहाँ है? वो तुमको पैसे क्यों नहीं भेजते? तुमको काम क्यों करना पड़ता है? सुनील मुझे ये सब बातें मत किया करो। पहले मुझे बताओ मेरे कोई डैडी है या मैं सचमुच हरामी हूँ? सुनील ये लफ्ज तूने फिर मुँह से निकाला तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं जरूर कहूंगा क्या मैं हरामी हूँ। पहले मुझे बताओ क्या मैं हरामी हूँ? सुनील 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 मत बोल। क्या मैं हरामी हूँ? सुनील तू फिर नहीं कहेगा? मैं जरूर कहूंगा। तू मुझे मारो फिर नहीं कहेगा। चल उठ के हाथ मुंह धो ले। सुना नहीं? नन्ही सी जान आग की तरह डर रही है और आपने अभी तक इसका इलाज ही नहीं कराया। मुझे तो अभी पता चला हकीम साहब कि इसे इतना बुखार है। इसे दवा दीजिए हकीम साहब। इसे दवा की जरूरत नहीं है पुजारी, इसके लिए दुआ कीजिए। हकीम साहब, पुजारी जी आप शहर से डॉक्टर बुलवाइए। मैं अभी जाता हूँ बेटी। कलेजे पे पत्थर रख लो बेटी, या आपने भगवान से प्रार्थना करो वही से। सुनील सुनील मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी। सुनील तुझे कभी नहीं मारूंगी। सुनील तुझे अपना कभी नहीं मारूंगी। सुनील मुझे माफ कर। सुनील मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी। अभी तक 102 है। 102? देखो तुम बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठना। अच्छा विनोद, दादी माँ को जल्दी से खत लिख दो, कुछ दिन के लिए आ जाए ना। इसका ख्याल रखने के लिए? क्यों क्या हुआ? वो भी तो इसकी कोई लगती है ना। डैडी सुनील स्कूल में आया होगा, मुझे नहीं देखेगा तो परेशान होगा। हाँ वो परेशान हो ना हो तुम जरूर परेशान हो। जब देखो तब सुनील सुनील सुनील। क्यों नहीं, वो है ही इतना प्यारा, सबके दिलों को भा जाता है। मुझे भूख नहीं है। खा ले बेटा, तूने कल भी ठीक से नहीं खाया था। मुझे कल भी भूख नहीं थी। क्योंकि सुनीला कल भी स्कूल नहीं आई थी इसलिए ना। वालो वालो देखो सांप इधर ही निकला। तुम्हारे घर में सांप घुस आया। सांप? देखो कहाँ है। वो रहा, चलो खत्म ही कर देते हैं। नहीं वो बहुत जहरीला है। आप लोग तो इससे भी ज्यादा जहरीले।
अगर आप लोगों को जिंदा रहने का हक है तो इसे भी है जो भगवान की शरण में आया है। ठीक है, हमारी बात आपके समझ में उस वक्त आएगी जब ये आपके बेटे को डस लेगा। चलो, आजकल भलाई का जमाना नहीं है। माँ, ये मुझे नहीं डसेगा। दूध पी लो नाग देवता, और हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। सुनो, सुनीला स्कूल नहीं आया क्या? वो तो अपनी बिटिया को लेकर चला गया। तुमसे कहा ना बिस्तर में जाके लेटो। सुनील आज भी नहीं आया। तो कौन सी कयामत आ गई है? इतने सारे खिलौने, उनसे जी बहलो। खिलौनों से दिल नहीं बहलता। सुनीला, तुम्हें मम्मी ने सिखाया नहीं कि बचपन में इंसान बेजान खिलौनों से खेलता है, हर बड़ा होकर तो वो... विनोद, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। मैं देख रही हूं कुछ दिनों से तुम बहुत जली कटी बातें करने लगे हो, आखिर क्यों? पुरानी यादें आ जाने पर। खैर, आज न जाने ये दो खत एक साथ मेरी नजरों के सामने कैसे आ गए। एक तो ये है जो गीता ने घर छोड़ते वक्त लिखा था, और दूसरा जो तुमने मुझे पोल्ट्री फार्म पर यह कहते हुए दिया था कि गीता तुम्हें लिख गई है। अगर ये दोनों खत गीता ने लिखे थे तो इनका हैंडराइटिंग क्यों नहीं मैच होता? कहना क्या चाहते हो? एक खत मैंने लिखा था? नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। हां, वो खत मैंने लिखा था, लेकिन इसके लिए मुझे इल्जाम देने के बजाय तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी रोती हुई जिंदगी को फिर से आबाद कर दिया। सोचो, वो झूठ बोलकर अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो तुम्हारा क्या हाल होता? मेरा आज क्या हाल है ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। शाह,